यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सभी दर्शकों को, आज आपको दिखाऊंगा अन्ना झरना संग्रहालय यानी थार रेगिस्तान संग्रहालय। अन्ना झरना महादेव जी का मंदिर यानी अरणेश्वर महादेव मंदिर। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। अन्ना झरना संग्रहालय ये लोक संस्कृति का एक जिसकी कल्पना लोक कलाकार और नवासार विज्ञान पद भूषण कोमल कठारी जी ने 1932 से 2004 में की थी। ये संग्रहालय रोजमार्ग की वस्तुओं के माध्यम से राजस्थान की नरव विज्ञान को दर्शाता है। इसको जीवित संग्रहालय भी कहा जाता है। यहाँ की वस्तुएं आम लोगों के दैनिक जीवन में का एक हिस्सा है। इस संग्रहालय के अंदर लगभग 1000 से अधिक वस्तुएं हैं, जिसमें अनेकों झाड़ू की संख्या है जो 300 से अधिक हैं। सबसे ज्यादा इस संग्रहालय के अंदर झाड़ू है जो अनेकों प्रकार के, वो 300 प्रकार के झाड़ू यहाँ पर रखे हुए हैं। संग्रहालय को अलग अलग भागों के अंदर डिवाइज किया गया है, वो झोंपड़े के आकार में डिवाइज किया हुआ है। संग्रहालय के अंदर झाड़ू और लोक वास्तुतंत्र, मिट्टी के बर्तन, कठपुतली और बाजरा। संग्रहालय के अंदर देखने के लिए आपको भारतीय पर व्यक्ति 75 रुपये टिकट लगेगी। झोंपड़ियों के अंदर सभी वस्तुओं को रखा हुआ है। यहाँ पर पहले खंडर चट्टान थी, इसको कोमल कठारी जी ने कई सालों तक यहाँ पर इस जमीन को समतल करके यहाँ पर यह संग्रहालय बनाया। इस संग्रहालय के अंदर हजारों पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जो भी पेड़ पौधा लगा हुआ है, इसके नीचे उसकी प्लेट और कैसे है, ये क्या है, उसकी पूरी जानकारी दी हुई है। इसका एक और नाम रखा हुआ है थार रेगिस्तान संग्रहालय, क्योंकि ये रेगिस्तान थार के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर जो भी वस्तुएं रखी हुई वो थार रेगिस्तान में जो वस्तुएं काम आती है वो यहाँ पर रखी हुई है। इसका उद्घाटन 2000 में किया गया था। कोमल कठारी जी को ब्रह्मचर्य अवार्ड भी मिला हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा घूमने के लिए आते हैं वो कॉलेज के छात्र आते हैं। यदि आप यहाँ पर घूमना है तो अपने बच्चों के साथ में जरूर लेकर आए, क्योंकि उनको भी पता चले कि थार रेगिस्तान के अंदर कैसी कैसी वस्तुएं उपयोग में ली जाती हैं। घूमने आए तो आप सितंबर या अक्टूबर महीने में आना, क्योंकि यहाँ पर हरा भरा पूरा पहाड़ी क्षेत्र रहता है और बारिश का भी टाइम रहता है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कठपुतलियाँ रखी हुई हैं आगे की साइड में। थार रेगिस्तान में किस प्रकार व्यक्तित्व जीवन में होता है, वही राजस्थानी पे नवा छापे बुजुर्ग व्यक्ति आगे यहाँ पर तस्वीरें लगाई हुई हैं।
इस संग्रहालय के जस्ट पीछे की साइड में आधा किलोमीटर की दूरी पर एक महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर भीम पांडवों ने वनवास के टाइम यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा की थी। यहाँ पर दो कुंड बने हुए अलग अलग, एक महिला कुंड एक और पुरुष कुंड। इस कुंड के अंदर आप स्नान करोगे तो आपको सारे पाप दूर हो जाएंगे। और मंदिर की ऊपर की साइड में एक बहुत बड़ा सा झरना भी चलता है जो सितंबर या अक्टूबर बारिश के टाइम में चलता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। यहाँ पर आने के लिए आप पर्सनल व्हीकल या जोधपुर शहर से टैक्सी बुक करके लेकर आ सकते हैं। जोधपुर से मज 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और यात्रा देखने के लिए। आपका धन्यवाद।